75 साल की आज़ादी के बाद लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि लोग अपनी आँख दिखा सकें, ये हालात देश के आज हैं। मंडाला के लोग अनाथ हो गए थे, मैंने मंडाला के लोगों के लिए मेरे 2 बच्चे वक्फ कर दिया है। हम मुख्यमंत्री तो नहीं है, हमारी सरकार तो नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार ने जितनी कमेटियां बनाई कि मुसलमानों के इलाके के हालात जाकर देखो, तो सरकार ने कहा कि मुसलमानों के इलाके में जो कमेटियां बनी थी उन कमेटियों के जो मेम्बरान थे उन्होंने कहा मुसलमानों के इलाके में सरकारें जानबूझकर पानी कम छोड़ती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि मैंने पूरे भारत को जब मुसलमानों के हालात देखे, मुसलमानों के इलाके में जाकर देख लिया, तो जहां मुस्लिम इलाका वहां पानी बहुत कम छोड़ते हैं, और यकीन जानना अगर एक बोतल पानी में तुम्हारी प्यास बुझ सकती है तो ये लोग आधा बोतल पानी फेंक देंगे और आधा बोतल तुमको पानी देंगे, न तुम जीने पाओ ना मरने पाओ। ये हालात देश के हैं। मैं असेंबली में ये बोल सकता हूं, मैं पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कह रहा हूं। इसलिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है, हम सबको अपनी हैसियत के मुताबिक हम कितना कर सकते हैं हमको एक दूसरे के लिए करना है। और मैं समझता हूं इंसान की जिंदगी जो है इसीलिए है, अल्लाह की इबादत के बाद भगवान की पूजा के बाद अपनी पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत में लगाना चाहिए, ये मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए। लेकिन उस पर ये सिर्फ फूल लेना और अपने आप की बढ़ाई करना, केक काटना, मैं समझता हूँ कि लोगों की खिदमत का काम करें ना किसी बहाने से। तो हमने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से बोला तुम लोग जो जो अच्छे काम कर सकते हो करो। किसी ने हॉस्पिटल में जाकर फल बांटा है, किसी ने दवाएं बांटा है, किसी ने कुछ कपड़े बांटे हैं, कोई बुक लेकर आया कुछ दे रहा है। तो ये सब जगह यहाँ एक बहुत बड़ा हमारा जो तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन वगैरह ने मिलकर यहाँ पर लोगों का ऑपरेशन के लिए किया, लोगों का इलाज कराने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स आए। तो इस काम से इस बहाने से लोग जमा होते हैं और लोगों का अच्छा काम हो जाता है। मैं समझता हूँ कि यही करना चाहिए। 75 साल की आज़ादी के बाद लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि लोग अपनी आँख दिखा सकें, ये हालात देश के आज हैं। सरकार बहुत सारी स्कीम बनाती है लेकिन उस स्कीम में जाने के बाद ना ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि लोग फेल हो जाते हैं, उसमें काम ही नहीं उनका हो पाता है। मेडिकल कैंप रखा गया जहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्या कहना चाहिए सर? देखिए मंडाला में मेरे दोनों बच्चे लगे हैं दिलो जान से, और मैंने कहा है मेरे बच्चों को मालिक ने अपने को बहुत कुछ दिया है, इज्जत शोहरत सब कुछ दिया है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मंडाला के लोग अनाथ हो गए थे, मैंने मंडाला के लोगों के लिए मेरे 2 बच्चे वक्फ कर दिया है। वो दिन रात मंडाला की खिदमत करते हैं, जो भी मंडाला का काम रहेगा वो करके देंगे, अगर नहीं करके देंगे तो मैं उनका बाप हूँ, वो करके दूंगा, ज़रूर करके दूंगा। सर अभी जो हमने ये शुरू किया है ये अब रुकने वाला नहीं है, आपको कुछ ना कुछ दिन बाद कैंप, चाहे कैंप हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे टॉयलेट का काम हो, आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट मंडाला में के रही वासियों के लिए देखने मिलेगा। और ये काम अब हम रोकने वाले नहीं है, हमने काफ़ी कुछ काम किया है यहाँ पे जो मुझे अभी गिनाना ठीक नहीं लग रहा है, और जो हम करेंगे वो तो आपके सामने ही होगा और कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। सर हमने हमेशा MLA सर को बचपन से देखा है और उन्हीं से सीखा है कि लोगों की कैसे सहायता करनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। तो सर हम बस उनके सिखाए हुए नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। अब देखिए जब तक कोई रोकने वाला सही नहीं आएगा तब तक तो हम नहीं रुकेंगे।